शमिता शेट्टी और प्रतीक सेजपाल के बीच हुई तू तू मैं। शमिता निशांत और प्रतीक भिड़े आपस में। इन तीनों के बीच आई दरार आखिरकार क्या है पूरी बात आइए जानते हैं। बिग बॉस 15 के घर में बिग बॉस ओटीटी के तीन सदस्य आपस में ही लड़ते हुए आ रहे हैं नजर। दरअसल कल शमिता शेट्टी ने जंगल वासियों को दे दिया था मैप जिसे छुपाकर रखा था प्रतीक सेजपाल में। घर में हुआ था घमासान झगड़ा जहाँ पर प्रतीक और शमिता आपस में लड़ते हुए आए थे नजर। प्रतीक की हरकतों से नहीं थी शमिता शेट्टी खुश, जहाँ पर प्रतीक ने उन्हें ये भी कह दिया था कि भले वो एक टीम है लेकिन वो इंडिविजुअल खिलाड़ी भी है। जहाँ अपनी इंडिविजुअल गेम खेलते हुए शमिता शेट्टी ने गुस्से ही गुस्से में जंगलवासियों को दे दिया था उनके पास रखा हुआ मैप, जिसके चलते निशांत और प्रतीक हो गए थे शमिता से काफी गुस्सा। वहीं आज लाइव फीड के दौरान ये बात एक बार फिर से उछलती हुई आई नजर, जहां पर निशांत शमिता से कहते हैं कि अगर तुम्हें उन्हें मैप देने से पहले मुझसे बात कर लेनी चाहिए थी। जहां पर शमिता कहती है कि तुम हर बार प्रतीक की हरकतों पर उसे कुछ नहीं कहते हो लेकिन मुझे समझाते हो। प्रतीक ने जिस तरह से कल बर्ताव किया वो गलत था, इसी के चलते मैंने उन लोगों को मैप दे दिया। जहां पर निशांत एक बार फिर से शमिता से कहते हैं कि अगर तुम्हें देना चाहा तो तुम्हें प्रतीक से प्रॉब्लम थी तो मुझसे आकर एक बार बात कर सकती थी, मुझे बता सकती थी इस बारे में। जहां पर इन दोनों के बातचीत के बीच में घुस जाते हैं प्रतीक सेजपाल भी, जहां प्रतीक के आने के बाद इन सभी के बीच में शुरू हो गई है जुबानी जंग, जहां पर ये तीनों भी एक दूसरे पर ब्लेम गेम खेलते हुए आ रहे हैं नजर। प्रतीक और निशांत ने तो ये भी कह दिया कि शमिता ने दिया है उन्हें धोखा। वेल अब शमिता पर तो लग चुके हैं धोखाधड़ी के आरोप। कहीं ना कहीं शमिता प्रतीक और निशांत के बीच दरार पड़ती हुई आ रही है नजर। इनकी यूनिटी में डाल दी है जंगल वासियों ने फूट। मतलब देखना ये होगा कि आगे के गेम में ये एक साथ खेलते हुए आएंगे नजर या फिर हो जाएंगे अलग। आपका क्या है कहना हमें कॉमेंट कर जरूर बताएं। टेलीविजन की लेटेस्ट न्यूज और गॉसिप के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।